हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पैतृक जमीन को लेकर बुजुर्ग का अनशन दूसरे दिन भी जारी। रेतर तहसील के आसावा गांव निवासी 80 वर्षीय छोगा राम सुतार ने बुधवार के दिन जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें उन्होंने अपनी पैतृक जमीन अन्य ग्रामीणों को आवंटित किए जाने की शिकायत की थी। कलेक्टर से संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर छोगा राम सुतार और उनकी 72 वर्षीय पत्नी श्रीमती चंपा देवी आसावा ग्राम सभा भवन के सामने धरने पर बैठ गए। धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। गुरुवार को चिकित्सा अधिकारियों ने छोगा राम सुतार के स्वास्थ्य का परीक्षण भी किया। धरना स्थल पर उनसे मिलने आने वालों का तांता लगा रहा। छोगा राम सुतार ने जागरूक टाइम संवाददाता को बताया कि वर्ष 1962 में खातेदारी में उनको आवंटित जमीन पर उन्होंने वर्षों तक खेती की है। उम्र होने से अब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और बच्चे भी कामकाज के लिए ज्यादातर बाहर रहते हैं। आसावा की ग्राम सभा ने अब उक्त जमीन गांव के अन्य लोगों को आवंटित कर दी है। उनका कहना है कि कई वर्षों से भटकने के बाद भी कार्यवाही तो दूर संतोषजनक जवाब तक नहीं मिल रहा। उन्होंने ये भी कहा है कि गुरुवार सुबह पुलिस अधिकारी पुलिस कर्मियों के साथ आए थे और हमारा धरना प्रदर्शन बंद करवाने की कोशिश की थी। हमारे जागरूक टाइम संवाददाता ने संबंधित अधिकारी से इस बारे में जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। रेवदर तहसील से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।